गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने रेशमा, सलमा, मंदीप, इन तीनों को आर, एस और एम मान लिया। रचना की हमने ओ एल आर एस पर खींच दिया और इससे क्या हुआ, वो दो इक्वल पार्ट्स में बट गया। और एक चीज और बताऊं आपको, क्वेश्चन में जब आपने पढ़ा है अभी तो उसमें देखा होगा जो ओ आर और आर एस ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर से होंगे और आर एस सलमा और रेशमा और सलमा और मंदीप के बीच की दूरी है वो 6-6 सेंटीमीटर है। तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज OLR में, जबकि समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरियन त्रिक जो है वो हमें ये बताती है कि उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन त्रिक के अनुसार, त्रिक के अनुसार, तो पाइथागोरियन त्रिक के अनुसार जो साइड्स होंगी 3, 4, 5, आर एल कितना है 3, ओ एल कितना है 4 और ओ आर कितना है 5 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हैं। तो त्रिभुज ओ आर एस में ओ आर एस का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या है आर एस ले लिया और ऊंचाई ओ एल ली है, तो आधार हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। कितना आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 4, अभी हमने निकाली, इसलिए तो 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर, मतलब ओ आर एस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर इसका आएगा। तो हम दोबारा ओ आर एस के त्रिभुज ओ आर एस के क्षेत्रफल को लेते हैं और इस बार हम आधार ओ एस को लेंगे और ऊंचाई आर के को लेंगे। तो आधार हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, ओ एस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये जो 2 है 12 के मल्टीप्लाई में चलाएगा, 12 × 20 में 12 × 2 = 24 हो जाएगा, 5 से जब 24 को काटेंगे 4.8 आएगा, तो आर के 4.8 आ गया आर के। और जब ओ ओ के जो है इस पर लंब है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो आर एम जो होगा उसका दुगना होगा, तो रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी 2 आर के कितना है 4.8, तो 4 × 2 × 4.8 कितना 9.6 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।